बड़ी वी आर हैविंग विद अस एन अदर वनर जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है हर कोई इनको जानता है हमारे साथ हमजा ख़ान है हमज़ा कैसे हैं आप शुक्र हमज़ा आपको किसी तारुफ़ की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएँ कि आपने क्या क्या खेला है कौन से इंटरनेशनल matches आपने खेले हैं और क्या क्या जीता है अपनी सक्सेस के बारे में बताएं अपनी जर्नी के बारे में बताएं रिसेंटली अभी मैं हम गए थे फ्रांस वर्ल्ड जूनियर टीम गई थी तो उसमें मैंने थर्ड पोजीशन ली काफ़ी मज़ा आया काफ़ी हमने एंजॉय किया और मैं उसमें नंबर वन सीट भी था लेकिन इनशाला मेरे पास एक और साल है वर्ल्ड जूनियर खेलने के लिए इन नेक्स्ट ईयर मैं वो जीत कर लाऊँगा इससे पहले मैंने यू जूनियर अंडर नाइन्टीन जीता है उसके बाद उससे पहले ब्रिटिश आई मेरे पास टेन गोल्ड मेडलिस्ट और थ्री सिल्वर मेडल है तो ये बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें कोई शक नहीं है कि हमज़ा की अब तक जो जर्नी थी इन्होंने अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिली को और पाकिस्तान को और हम सब को हमारे सर को फ़खर से बुलंद किया है और हमज़ा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जो आपका मैच था तो थोड़ा सा आप हमें बताइए कि वो टफ़ मैच था आपके लिए या आप आसानी से आप कह रहे हैं कि आप जीत गए वो आज मेरा काफ़ी अच्छा मैच चला और... और मैंने काफ़ी इजी लिया हुआ था लेकिन वो ईजी नहीं था आ, काफ़ी अच्छा मैच टफ चला और मैं जीता थ्री वन से आ, एक अच्छा मैच हुआ आज सही है हमजा मुझे बताइए कि मैच के दौरान बीच में देखा गया कि थोड़ी सी ब्लॉकिंग्स हो रही थी और थोड़ी सी इंटरप्शन हो रही थी बीच में आप लोग दोनों को लाइट कर रहे थे तो मुझे बताइए कि वो क्या था और आपने उसको कैसे रिकवर किया आ, उसको बोलते हैं जो कोर्ट के अंदर ब्लॉकिंग तो उसने मेरे साथ काफ़ी ब्लॉकिंग की लेकिन मैंने उसमें मेरा फोकस बिल्कुल नहीं था और मैंने अपने गेम पे फोकस रखा और मैं मैच जीत गया विन किया मैंने थ्री वन ऑल हमज़ा आप जैसे प्लेयर्स हमारे साथ हैं हमारे पा, हमारे पाकिस्तान के हैं हिस्से हैं और हम लोगों को बहुत फ़ख्र है आप सब पे हमारी दुआ है कि आप बहुत आगे तक जाएँ और आगे जो फर्दर मैचेज़ हैं आप उसमें इसी तरह आपको बहुत सारी कामयाबें मिलती रहें थैंक यू हमज़ा फ़ॉर योर टाइम थैंक यू सो मच